स्वागत है सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। साथियों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का क्लास खासकर झारखंड पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो क्लास है उनके लिए बहुत ही स्पेशल है। तो साथियों, आज हम इस क्लास में जो झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे विद्यार्थी जिनका विषय हिंदी है, उनके विषय में जो सिलेबस लगा हुआ उसमें जितनी भी रचनाएँ हैं, सभी रचनाओं का रचनाकाल हम लेकर आए हैं। और यहाँ से कम झारखंड पीजीटी हिंदी 2023 की परीक्षा में कम 5 प्रश्न निश्चित आएंगे, तो सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लेंगे। यहाँ जितने भी रचनाएं हैं सिलेबस में लगे हुए, सभी रचनाओं का रचनाकाल लेकर आए हैं। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस में लगे मानसरोवर भाग वन में जितने भी कहानियां हैं, सभी कहानियों का रचनाकाल हम देख लेते हैं। मानसरोवर भाग वन किन की कहानी है? तो प्रेमचंद की कहानी है। तो प्रारंभ करते हैं सभी का प्रारंभ से। तो यह कहानी है शिकार कहानी है, जिसका रचनाकाल कितना है? 1910। हम कहानियों को उनके रचनाकाल के अनुसार क्रमबद्ध किए हैं, यानी जिस प्रकार उनका रचनाकाल है उसकी के आधार पर हम क्रमबद्ध करके इसे बिठाए हैं, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आज ही आप भारतीय विजन क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में भारतीय जन क्लासेस का फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से हमसे जुड़ें। वहाँ जुड़ने के बाद आपको बताया जाएगा कि आप भारतीय जन क्लासेस पेड टेलीग्राम ग्रुप में कैसे ज्वाइन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। यहाँ है शिकार का जो रचनाकाल कितना है? 1910 ईस्वी। उसके बाद मानसरोवर भागवन की दूसरी कहानी है शांति का रचनाकाल क्या है? तो शांति का रचनाकाल 1918 है। कितना है? 1918 है। उसके बाद है धिक्कार, तीसरी कहानी है मानसरोवर भागवन की तीसरी कहानी धिकार। धिकार का रचनाकाल क्या हुआ? 1925। धिकार 1925। उसके बाद है लांगछन का रचनाकाल क्या हुआ? तो लांगछन 1926। इसको याद कैसे करेंगे? 6 से 26 तो लांगछन का रचनाकाल क्या हुआ? 1926। उसके बाद है अनुभव का रचनाकाल क्या हुआ? तो अनुभव का रचनाकाल 1928। कितना हुआ? 1928। 28 वर्ष के होने के बाद ही अनुभव मिलता है, 1928 यानी ये अनुभव का रचनाकाल है। अगली कहानी है मानसरोवर भागवन की अलग योद्धा। आप मानसरोवर भागवन किताब लिए होंगे तो पहली कहानी वहाँ आपको अलग योद्धा ही मिली होगी। तो यहाँ अलग योद्धा का जो रचनाकाल है वो रचनाकाल है 1928। अलग योद्धा 1928। यहाँ हम जितने भी कहानी है सभी कहानियों को उसके रचनाकाल के क्रमबद्ध अनुसार यहाँ हम लेकर आए हैं, ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो। यह क्लास झारखंड पीजीटी 2023 की तैयारी कर ले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ से 5 प्रश्न आ रहे हैं। ऐसी भारतीय जन क्लासेस पर संपूर्ण हिंदी साहित्य की तैयारी कराई जा रही है। आज का क्लास जो है वो खासकर झारखंड पीजीटी हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। अगली कहानी है माँ का रचनाकाल कितना है? 1929। माँ कहानी के रचनाकाल क्या है? 1929। उसके बाद कहानी है घर जमाई का रचनाकाल क्या हुआ? तो घर जमाई का रचनाकाल 1929 हुआ। घर जमाई का रचनाकाल क्या हुआ? 1929 हुआ। तो सभी को याद कर लेंगे। निश्चित है आपको 5 प्रश्न आएंगे, क्योंकि परीक्षा में एक प्रश्न के चलते सिलेक्शन आपका रुक जाता है। तो सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लें, और एक नंबर के चलते कभी पछताना ना पड़े, इसलिए सभी रचना जितने भी रचनाएँ हैं सिलेबस में लगे हुए झारखंड पीजीटी हिंदी के सिलेबस में, उन सभी रचनाओं का रचनाकाल याद कर ले। अगली कहानी है घर जमाई हो गया ना। अगली कहानी है घास वाली का रचनाकाल कितना है? तो घास वाली का रचनाकाल 1929 है। घास वाली का रचनाकाल कितना है? तो 1929 है। उसके बाद है सुभागी का रचनाकाल कितनी है? 1930। सुभागी का रचनाकाल 1930। सुभागी 1930। घास वाली 1929। घर जमाई 1929। यहाँ देखिए 3 कहानी है जो 1929 लगातार हैं। तो 1929 में 3 कहानी कौन कौन से आ रहे हैं?
वो तीनों कहानी को देख लेंगे। तो 1929 में तीन कहानी आ रहे हैं, माँ, घर, जमाई, घास वाली। ये तीनों कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है 1929 है, ऐसे याद कीजिएगा तो ज़्यादा याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगली कहानी है सुभागी। अगली कहानी है सुभागी, रचनाकाल क्या है, तो रचनाकाल है 1930। पुष की रात, पिछले जो 2018 में परीक्षा जो हुई थी झारखंड पीजीटी की, उसमें यही कहानी आया था, पुष की रात की रचनाकाल क्या है, ये भी आया था। तो पुष की रात रचनाकाल क्या है 1930, सुभागी का रचनाकाल क्या है 1930। तो कह सकते हैं मानसरोवर भागवन में दो कहानी है जिसका रचनाकाल 1930 है, सुभागी और पुष की रात। आगे बढ़ते हैं, सभी महत्वपूर्ण है, जितने भी कहानी सबका रचनाकाल हम लेकर आ गए हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं देखने की आवश्यकता नहीं, कई बुक खोलने की आवश्यकता नहीं, यहाँ सब कुछ है, यहीं पर आपको सब कुछ मिल रहा है, यानी रचनाकाल आपको ढूंढने की कहीं आवश्यकता नहीं, सभी रचनाओं के रचनाकाल हैं। अगली रचना है आखिरी हिला। देखिए यहाँ पर आखिरी हिला, तावान, स्वामिनी, ये तीनों देख लीजिए, आखिरी हिला, तावान, स्वामिनी। आखिरी हिला 1931, तावान 1931, स्वामिनी 1931, तीनों क्या है 1931। तो 31 में कौन कौन आएंगे, तो आपको 1900 भूल जाइए, 31 याद रखिए, क्योंकि जितनी भी रचना आपको 1900 से पा रही हैं, तो अंतिम वाला दो डिजिट याद रखिए 31। 31 में कौन कौन आ जाएंगे, तो 31 में आएंगे आखिरी हिला, तावान और स्वामिनी। 31 में कौन कौन आ जाएंगे, आखिरी हिला, तावान और स्वामिनी। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ देखिए अगली रचना है मानसरोवर भागवन की गिला। गिला कहानी का रचनाकाल है 1932, झाकी कहानी का रचनाकाल है 1932, ठाकुर का कुआं कहानी का रचनाकाल है 1932, और बेटों वाली विधवा का रचनाकाल है 1932, यानी गिला 32, झांकी 32, ठाकुर का कुआं 32, बेटों वाली विधवा 32, इस सभी रचनाओं का जो रचनाकाल है वह 1932 है। तो चार कहानी कौन कौन 1932 में आ जाएंगे, तो 1932 में आने वाली कहानी है गिला, झांकी, ठाकुर का कुआं और बेटों वाली विधवा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी रचना को याद कर लेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे क्लास को, तो आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको संतुष्टि नहीं मिला तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, परंतु आपको भारतीय विजन क्लासेस पे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना होगा, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में एक फ्री लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाएँ, वहाँ जाने के बाद हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें, वहाँ भी ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत सारे कुछ मिलेंगे, और वहाँ जुड़ने के बाद आपको बताया जाएगा कि आप पेड टेलीग्राम में कैसे जुड़ेंगे। अब यहाँ देखिए ये 32 में कौन कौन है, तो 32 में है गीला, झाकी, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पाँच प्रश्न निश्चित आएंगे। आगे देखते हैं मानसरोवर भागवन की अगली कहानियाँ कौन कौन है, तो कायर, कौन है कायर, रचनाकाल 1933, गुल्ली डंडा, रचनाकाल 1933, रसिक संपादक, रचनाकाल 1933, ज्योति, रचनाकाल 1933। तो देख लीजिए यहाँ पर चार रचनाएं ऐसे हैं जिसका रचनाकाल कितना दिया हुआ है, तो सभी रचनाओं का रचनाकाल जो है 1933 दिया हुआ है। कौन कौन है, कायर 1933, गुल्ली डंडा 1933, रसिक संपादक 1933, ज्योति 1933। तो 33 में कौन कौन रचनाएं हैं, कायर है, गुल्ली डंडा है, रसिक संपादक है और ज्योति है। कायर 33, गुल्ली डंडा 33, रसिक संपादक 33 और ज्योति 33। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना है मानसरोवर भागवन की दिल की रानी, जिसका रचनाकाल कितना है 1933। तो देखिए 33 में एक और आ गया दिल की रानी, तो दिल की रानी भी 33 में ही है। उसके बाद है मनोवृत्ति, मनोवृत्ति का रचनाकाल क्या है 1934। तो मनोवृत्ति, बड़े भाई साहब, नशा, ये तीनों का रचनाकाल क्या है 1934 है। इसके बाद है ईदगाह, ईदगाह का रचनाकाल क्या है 1933। तो कह सकते हैं 1933 में छह कहानियां प्रेमचंद की आती हैं, कौन कौन, तो ईदगाह, दिल की रानी, इसके बाद है यहाँ पर देखिए कायर, गुल्ली डंडा, रसिक संपादक और ज्योति, यानी
छह कहानियां हैं जिसका रचना काल क्या है 1933 है। थोड़ा सा प्रिंट में मिस्टेक हो गया है, कुछ कहानी नीचे चली गई है, फिर भी ये छह कहानियां हैं कायर, गुल्ली डंडा, रसिक संपादक, ज्योति, उसके अलावे दिल की रानी और ईदगाह। ये सभी का रचना काल क्या है 1933 है। 34 में कौन कौन आते हैं, तो 34 में मनोवृत्ति 1934, बड़े भाई साहब 1934, नशा 1934, ये सभी का रचना काल है। ये मानसरोवर भागवन की सभी कहानियाँ थी, सभी कहानियों का हम रचना काल देख लिए और निश्चित है कि मानसरोवर भागवन से कम दो कहानियों का रचना काल तो निश्चित ही आएगा। इसलिए हम क्लास प्रारंभ करने से पहले ही आपको बता दिए थे कि रचना काल से संबंधित 5 प्रश्न निश्चित आएंगे और एक प्रश्न के चलते अगर आपका सिलेक्शन रुक जाता है तो इसमें आपकी ही कमी है। तो क्लास को पूरा देखिए और पूरा याद कर लीजिए, एक बार में याद नहीं होता है तो बार बार देखिए, इसके अलावा भी संतुष्टि नहीं मिलता है तो हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप में आज ही ज्वाइन कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम ये तो मानसरोवर भागवन की सभी कहानियों का रचना काल था, अब चलते हैं, थोड़ा सा प्रिंट आगे पीछे हो गया है, अब हम गद्य कृतियों में देखते हैं। गद्य कृतियों में एक एक करके सभी को हम देखते हैं, तो यहाँ पहला है गद्य कृति में भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा किन का नाटक है, तो ये भारतेंदु जी का नाटक है, झारखंड पीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है। रचना काल क्या है, तो रचना काल है 1880 ईस्वी। इसके बाद है स्कंदगुप्त, जो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, इसका रचना काल कितनी है, तो इसका रचना काल 1928 ईस्वी है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध नाटक है और रचना काल है 1928 ईस्वी। इसके बाद है अषाढ़ का एक दिन, रचना काल कितना है 1958, इसके जो रचनाकार हैं मोहन राकेश हैं, यानी अषाढ़ का एक दिन नाटक किनका है, मोहन राकेश जी का है। रचना काल क्या है 1958, स्कंदगुप्त 1928, भारत दुर्दशा 1880। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है गोदान। गोदान का रचना काल क्या है 1936, गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है, किनका है, तो प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, रचना काल कितना है 1936। उसके बाद है मेला आंचल, किनका है, रेणु जी का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है और हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास है, रचना काल कितना है 1954, मेला आंचल रचना काल 1954, ये भी पिछले वर्ष झारखंड पीजीटी 2011 की परीक्षा में ये भी प्रश्न आ चुका है। तो हम बता दिए प्रारंभ में ही 5 प्रश्न निश्चित ही आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम पद कृतियों को देखते हैं, शायद कुछ है एक और आपका गद्य भाग में एक और है जो लगता है छूट गया है, मेला आंचल के अलावे आपका एक और है और वो है चिंतामणि। प्रिंटिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, आगे पीछे प्रिंट हो गया है, तो इसको देखेंगे चिंतामणि, ये भी गद्य भाग में लगा हुआ है, किनका है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है, किनका है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसका रचना काल कितना है 1939, रचना काल या प्रकाशन वर्ष दोनों में कोई भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा चिंतामणि भागवन प्रकाशन वर्ष कितना है या रचना काल कितना है 1929, और इसके संपादक और कह सकते हैं इसके संपादक और इसके रचनाकार दोनों कौन हैं, तो दोनों रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और मुझे उम्मीद है इस वर्ष ये प्रश्न निश्चित ही आएगा। अब आगे देखते हैं, अब हम चलते हैं पद्य कृतियों में, हम गद्य को देख लिए, अब हम पद्य कृतियों को देखते हैं, तो पद्य कृति में है कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली ये संपादन किसका है, इसके संपादक श्याम सुंदर दास है और इसका संपादन वर्ष कितना है, तो कबीर ग्रंथावली का संपादन वर्ष है 1928 ईस्वी, कबीर ग्रंथावली का संपादन वर्ष है 1928 ईस्वी। इसके बाद है भ्रमर गीतसार, इसके संपादक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी है। भ्रमर गीतसार क्या है, तो सूर सागर से लिया हुआ है, सूरदास की जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है उससे भ्रमर गीत को
रामचंद्र शुक्ल जी ने अलग करके भ्रमर गीत सार से क्या के प्रकाशन कराए, तो इसका संपादन वर्ष है 1925। भ्रमर गीत का संपादन वर्ष है 1925। किनका है? तो भ्रमर गीत सार संपादन रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है रामचरितमानस। रामचरितमानस किनका है? ये तुलसीदास जी का राम कथा पर आधारित हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो रामचरितमानस का रचना काल क्या है? तो 1574 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा अन्य गद्य विधाएँ हैं, कुछ है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, आगे पीछे प्रिंट हो गया था। इसके अलावा गद्य में है राग विराग, ये निराला जी का क्या है? काव्य संग्रह है राग विराग। रचना काल इसका क्या है? तो 1947। रचना काल क्या है राग विराग का? 1947। इसके आगे देखिए राम की शक्ति पूजा, ये भी किनका है? तो राम की शक्ति पूजा भी निराला जी का ही है। राम की शक्ति पूजा, इसका रचना काल कितनी है? 1936 ईस्वी। इसके अलावा है सरोज स्मृति भी किनका है? तो निराला जी का ही है। ये हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध शोक गीत है और प्रथम शोक गीत भी इसे माना जाता है। तो सरोज स्मृति का रचना काल क्या है? 1935। कितना है? 1935। सभी को याद कर लेंगे और यहाँ से 5 प्रश्न की गारंटी देता हूँ, निश्चित आएंगे, तो इसे इग्नोर ना करेंगे, इसे ज़रूर याद कर लेंगे जितने भी विद्यार्थी झारखंड पीजीटी के हैं, क्योंकि आज का क्लास जो है स्पेशल झारखंड पीजीटी के लिए था। फिर भी जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, अन्य जितने भी हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी जिनका हिंदी साहित्य का इतिहास सिलेबस में है तो कोई भी प्रश्न आ सकता है। तो सभी इसको देख सकेंगे, लेकिन खास कर ये झारखंड पीजीटी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, राम की शक्ति पूजा 1936, सरोज स्मृति 1935, इसके अलावा है कमायनी, ये किनका है? तो जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। कमायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। चिंता से प्रारंभ होता है, तो कमायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी का है। और इसका रचना काल कितना है? तो इसका रचना काल है 1935। रचना काल कितनी है? 1935। कुरुक्षेत्र जो है वो दिनकर जी का खंड प्रबंध काव्य है। कुरुक्षेत्र दिनकर जी का प्रबंध काव्य है। इसका रचना काल कितनी है? तो 1946। कुरुक्षेत्र 1946, कमायनी 1935, सरोज स्मृति 1935, उसके अलावा राम की शक्ति पूजा 1936, राग विराग 1947। अब हम चलते हैं कुछ अन्य रचनाएं हैं जिसको भी हमें याद कर लेना है, क्योंकि वो भी आ सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसे भी हम देख लेंगे। इसके अलावा है कुछ अन्य रचनाएं जो हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की रचनाएं हैं, तो इसे भी हम देख लेंगे। तो इस्तवार दला लिटरेतूर इंदौ ये हिंदुस्तानी किनका है? गारसा दत्तासी का क्या है ये इतिहास ग्रंथ है, और इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका ये 2 भाग में प्रकाशित हुई थी, भाग 1 1939 ईस्वी, भाग 2 1947 ईस्वी। इसका दूसरा संस्करण भी आया था, जिसका रचना काल आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास किनका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है, और संपूर्ण हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध सबसे मान्यता प्राप्त ग्रंथ है, जिसे अधिक विद्वानों ने सराहा है, स्वीकार किया है। अर्थात इसमें जितने भी
रचनाकाल दिए हैं, जितने कवियों का विवरण है उसे अधिकतर रचनाकारों ने, अधिकतर विद्वानों ने सराहा है, स्वीकार किया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका रचनाकाल कितना है, 1929 ईस्वी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लेंगे। उसके बाद लावे है शिव सिंह सरोज, जिसके रचनाकाल कौन है, रचनाकार कौन है, शिव सिंह सेंगर, इसका रचनाकाल क्या है, 1883 ईस्वी। इसके अलावे अंत में है मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद, इसके रचनाकाल कौन है, सॉरी रचनाकार कौन है, तो मिश्र बंधु हैं। ये भी क्या था, इसका प्रथम तीन भाग 1913 में आया था और चौथा भाग 1934 में आया था। तो साथियों ये थे महत्वपूर्ण कुछ ग्रंथ थे जिसे आप खासकर झारखंड पीजीटी के सिलेबस में लगे रचनाएं थे जिसे आपको याद करना अनिवार्य है, और जो विद्यार्थी सभी रचनाओं के रचनाकाल याद कर लेंगे उनका 5 नंबर कोई नहीं काट सकता है। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो भारतीय विजन क्लासेस को आज ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम स्पेशल रूप से झारखंड पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए ये क्लास लाए थे। तो मुझे उम्मीद है क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आज ही भारतीय विजन क्लासेस पेड टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कीजिए। उसे ज्वाइन करना है तो आपको पहले भारतीय विजन क्लासेस पेड फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है। धन्यवाद, शुभ संध्या।